एसोसिएशन के ऐलान के बाद प्रदेश भर के सरपंचों ने विधायक के घर के बाहर धरना देना शुरू कर दिया है। सरपंचों की माने तो उनका धरना अनिश्चित काल के लिए है, जब तक विधायक उनकी मांग विधानसभा में नहीं उठाते और समाधान नहीं करते तब तक वो धरना खत्म नहीं करेंगे। इसी के चलते हिसार में हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा के आवास के बाहर भी बड़ी संख्या में सरपंच अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। सरपंचों की मांग है कि राइट टू रिकॉल विधायकों और सांसदों पर भी लागू किया जाए या फिर उसे रद्द किया जाए। साथ ही ई टेंडरिंग को खत्म करने की मांग की जा रही है। आज सरपंचों को इस जनता की पहली पीढ़ी प्रजातंत्र की चुनी हुई सरकार का सड़कों के ऊपर 22वां दिन चल रहा है। क्या मांग रहे हैं? कुछ नहीं मांग रहे। गांव का विकास हो रहा है कहाँ होगा, कैसे हो गया? 2 साल हुआ विकास इन एमएलए का, इन अधिकारियों का, उपायुक्त महोदय का, बीडीओ का, एसडीएम का, उनका विकास हुआ, गांव का विकास नहीं हुआ। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि उनका खून मुँह लग गया और आड़े रोज ये एमपी मंत्री आए करते, अपनी मंत्री लेकर चला जाया करते। अब वो पाबंदी लगी, अब सरपंचों के काम के ऊपर इन्होंने जो है ये लगा दिया कि आप 2 लाख से ऊपर का कोई काम नहीं करा सकते। सरकार मानने की 1.25 साल किसान आंदोलन चलिया था, पर सरकार को मानना पड़ा और अब कितने ही दिन चलियो सरकार को मानना पड़ेगा। जब तक न मानेगी इतना हमारा धरना खत्म को नहीं हो, हमारा धरना जारी रहेगा। मुख्य मांग या तो ई टेंडरिंग रद्द करो, राइट टू रिकॉल जो है कह तो एमपी एमएलए पे सब पे लागू करो, या फिर इन सरपंच पे भी हटाओ, बीडीसी पे भी हटाओ। बता दें कि हिसार में सरपंचों के धरने की अध्यक्षता आजाद सिंह हिंदुस्तानी और सरपंच भगवान दास ने की। इस दौरान धरने को किसान सभा की तरफ से पहुंचे कई नेताओं ने भी अपना समर्थन दिया है। बहरहाल सरपंचों ने डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगुआ के साथ अपनी मांग पहुंचा दी है, जिसमें कहा गया है कि अब सूरजकुंड मेले के अवसर पर वो सरपंचों की मांग से मुख्यमंत्री को अवगत कराएं और विधानसभा में भी उनकी मांगे उठाएं। अब देखना होगा कि रणवीर गंगुआ के इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।